नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं TGT PGT 2021 वेबसाइट के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि खर्च किए गए 1.5 करोड़, फिर भी वेबसाइट क्रैश। कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं अक्टूबर नवम्बर में TGT PGT ऑनलाइन फॉर्म का विज्ञापन जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन लगभग 15 दिन लिए गए थे, उस समय भी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। चयन बोर्ड को लगा था कि ये वेबसाइट की समस्या आगे भी होगी, इसलिए चयन बोर्ड ने 1.5 करोड़ रुपए NIC को दिए थे सर्वर मेंटेनेंस के लिए, सर्वर को सही करने के लिए, क्योंकि चयन बोर्ड को लग रहा था कि ये चीज़ें आगे भी परेशान करेंगी। इस वजह से 1.5 करोड़ रुपये दिए गए थे, सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन उस 1.5 करोड़ का क्या हुआ, NIC ने क्या किया कुछ पता नहीं और सर्वर भी सही नहीं किया। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई कि आखिर वही समस्या सामने आ गई जिसका डर था, यानी वेबसाइट आप लोग जानते हैं पिछले 10 दिन से लगभग TGT PGT की वेबसाइट क्रैश है, फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरे जा रहे हैं। किसी किसी का बड़े प्रयासों के बाद फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, लेकिन फ़ोटो साइन की समस्या, पेमेंट की समस्या लगातार बनी हुई है। बहुत से लोग तो फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, प्रिंटर में फ़ोटो ही साइन नहीं आ रहा है, कई बार तो वेबसाइट खुलती ही नहीं है। जैसे अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे बड़े प्रयास के बाद इस तरीके से पेज तो खुल जाएगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को या फिर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे आप लोग, उसके बाद नो एक्सेस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ये पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा, गो टू परीक्षा होम पर इस तरीके से आएगा और कई बार ये सर्वर मेंटेनेंस लिख करके यहाँ पर आ जाएगा कि ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर जो वेबसाइट है, जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। तो पिछले देखा जाए तो करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और ये सर्वर मेंटेनेंस लगातार हो रहा है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब अभी कल अभ्यर्थी गए थे चयन बोर्ड, तो चयन बोर्ड के अध्यक्ष और वहाँ के जो अधिकारी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये समस्या सॉल्व कर ली जाएगी, यानी 10 अप्रैल 2:01 तक का अल्टीमेटम दिया गया। आज 10 अप्रैल ही है, आज वेबसाइट सही हो जानी चाहिए थी लेकिन वेबसाइट सही नहीं हो पाई। ठीक है, परसों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब परसों इसके ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ी थी, लेकिन डेट बढ़ने से क्या होता है, जब वेबसाइट ही नहीं चलेगी तो कितनी भी डेट बढ़ा दो, डेट बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक सर्वर की समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी। हालांकि चयन बोर्ड ने यह भी कहा था कि अगर 10 दिन कम पड़ते हैं, सर्वर की समस्या बनी रहती है, तो आगे भी 10 दिन की डेट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन डेट कितना भी बढ़ा दीजिए जब तक सर्वर की समस्या ठीक नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। NIC अभी तक सर्वर की समस्या को फिक्स नहीं कर पाया है और इस वजह से लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं सर साइट चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपके सामने देखो इस तरीके से सर्वर मेंटेनेंस करके आ रहा है, वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। हो सकता है रात में या दिन में कोई 2-4 अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हों, नहीं तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरे जा रहे। आप लोग परेशान ना हो, सबके फॉर्म भरे जाएंगे, जब तक सबके फॉर्म भरे नहीं दिए जाएंगे तब तक डेट बढ़ाई जाएगी, सर्वर का मेंटेनेंस चल रहा है, उम्मीद है कि जल्दी मेंटेनेंस ठीक हो जाएगा और आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शीघ्र भरे जाएंगे या शीघ्र ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। यहाँ पर आपको बता दें कुल मिलाकर के अगर देखिए तो अब तक करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, देख सकते हैं TGT PGT के लिए अब तक तकरीबन 6 लाख आवेदन हुए हैं। सूत्रों के अनुसार वेबसाइट धीमी होने के कारण उम्मीद से कम आवेदन हो पाए हैं। इस भर्ती के लिए चयन बोर्ड 10 लाख से अधिक आवेदन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म भर पाए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो फॉर्म भरने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रहे, कारण क्या, वेबसाइट ही सही नहीं है। तो 1.5 करोड़ खर्च करने के बाद आखिर फ़ायदा क्या हुआ, 0। अब देखते हैं कब तक वेबसाइट सही होती है, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।